अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आपको अपने चैनल की एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम रशिया और यूक्रेन की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे, इनकी नेवल बेस, एयर बेस और जो इनकी ज़मीनी फ़ौज है, इस बारे में हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूक्रेन और रशियन फोर्सेस। तो यूक्रेन का जो ग्लोबल रैंकिंग में है ये 22 पे, और रशिया की ग्लोबल रैंकिंग में सेकेंड पोजिशन है पावर के हिसाब से। रशिया सेकंड सुपर पावर है और यूक्रेन 22वें नंबर की बड़ी ताकत है दुनिया में। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और रशियन प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जीडीपी। जीडीपी यूक्रेन की है 203.9 बिलियन, और जीडीपी रशिया की है 0.1.71 ट्रिलियन डॉलर्स। इसका कैपिटल है केविया और इनका है, रशिया का है मॉस्को। फिर उसके बाद पॉपुलेशन में ये 43.31 मिलियन और ये 146.03 मिलियन। डिफेंस बजट में 11.87 बिलियन और ये डिफेंस बजट में 51.03 बिलियन। न्यूक्लियर वेपन, यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है और रशिया के पास 6,6500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। टोटल मिलिट्री इनकी 5,60,000 है और रशिया की टोटल मिलिट्री 30,15,000 है। उसके बाद वुमेन पर्सन 60,000 है और रशिया के वुमेन पर्सन 50,000 है। एक्टिव पर्सन 2 लाख हैं, एक्टिव पर्सन 20 लाख हैं और इनके 101 लैक्स एंड 5,000 है रशिया के। फिर रिजर्व पर्सन यूक्रेन के 2,50,000 हैं और रशिया के रिजर्व पर्सन 20 लाख हैं। कंबैट टैंक्स 2,596 हैं यूक्रेन के, और रशिया के 13,100 कंबैट टैंक्स हैं। उसके बाद आर्मर्ड व्हीकल्स हैं 12,303 यूक्रेन की, और रशिया की आर्मर्ड व्हीकल्स हैं 51,452। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है आर्म कैरियर का, ये 475 और रशिया की 10,215। माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स हैं 50 और इनकी है 10,260 माइन व्हीकल्स। यूक्रेन की आर्मेंट कार हैं 10,175 और रशिया की हैं 22,964 व्हीकल्स। फिर टोटल एटरलरी यूक्रेन की है 3,107 और रशिया की है 41,145। फिर रॉकेट प्रोजेक्ट्स इनके 664 हैं और रॉकेट प्रोजेक्ट्स रशिया के 4,050 हैं, यानी 4,050। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है, ये तो हो गया हमारा बेसिक कंपैरिजन इनकी ज़मीनी फौज का। अगला हमारा आता है एयरफोर्स का। एयरफोर्स में देखें तो रशिया और यूक्रेन दोनों के पास अपनी अपनी एयरफोर्स है। रशिया, यूक्रेन के पास टोटल एयरक्राफ्ट 325 हैं और रशिया के पास 4,208 हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट 80 हैं यूक्रेन के पास और रशिया के पास फाइटर एयरक्राफ्ट 947 हैं। फिर उसके बाद अटैक एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास 29 और रशिया के पास 849 हैं। फिर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट 83 हैं और रशिया के पास 653 हैं। फिर यूक्रेन के ट्रेनर 85 हैं और रशिया के 592 हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर 0 और रशिया के 135 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। AWACS 0 और AWACS 41। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर 0 और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रशिया के पास 7 है। फिर रिमोकनेसिस 3 और इनके पास 34 हैं।
टोटल हेलीकॉप्टर्स 145 यूक्रेन के पास और रशिया के पास 1573, अटैकिंग हेलीकॉप्टर 34 और इनके 652 हैं रशिया के। यूएवी 78+64 ऑन ऑर्डर और यूएवी 4000+। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 32 हैं यूक्रेन के पास और इनके पास 473 हैं। टैंकर एयरक्राफ्ट 0, टैंकर एयरक्राफ्ट 19। नेवी, अभी दो का तो कंपैरिजन हो गया, अब थर्ड वन हम जा रहे हैं नेवी के कंपैरिजन की तरफ। सबसे पहली चीज़, नेवी दोनों के पास अपनी अपनी मौजूद है, यूक्रेन नेवी और रशियन नेवी। यूक्रेन के टोटल फ्लीट 38 और रशिया के टोटल फ्लीट 625। एयरक्राफ्ट कैरियर 0 और एयरक्राफ्ट कैरियर 1 ऑफ रशिया। हेलीकॉप्टर कैरियर 0, हेलीकॉप्टर कैरियर 0, हेलीकॉप्टर कैरियर एक के पास भी नहीं है। डिस्ट्रॉयर इनके पास एक भी नहीं है और रशिया के पास 18 हैं। कॉर्वेट्स 1 और कॉर्वेट्स इनके पास 85 है। फ्रिगेट्स 1 और यहाँ पे फ्रिगेट्स 13। सबमरीन्स इनके पास, यूक्रेन के पास नहीं है और सबमरीन रशिया के पास 64 हैं। पेट्रोल व्हीकल 13, पेट्रोल व्हीकल 59। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। तो इसके बाद हम आपको एक और बात बताते चलें कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता। रशिया के हम इस डिसीजन की पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इसके अलावा हमारा आप लोगों से एक और सवाल है कि पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म है ये इस वक्त रशिया में मौजूद हैं। दुनिया सारी इस टाइम पे जो है ना रशिया के इस स्ट्राइक को जो है ना एक मजम्मत कर रही है, पुरजोर मजम्मत कर रही है, और हमारे वज़ीर आज़म वहाँ पर बैठे हैं। तो आप पाकिस्तानी बाकी हज़रात का इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।